क्या हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट सेम होता है? नहीं, ये तीनों ही अलग अलग चीज़ होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले शुरू करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है व्हेन हार्ट इज़ नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली एनाफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी को जितना ब्लड की ज़रूरत है इतना ब्लड हार्ट सप्लाई नहीं कर सकता है, उसको ही हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। आप लोगों का मन में बहुत सवाल होगा कि तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। द हार्ट अटैक होता है जब हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय अनएडिक्टेड ब्लड सप्लाई। जब हार्ट मसल को अच्छा तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तब हार्ट मसल डैमेज होता है, उसको ही हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। क्योंकि हार्ट के ऊपर बहुत आर्टरीज और वेन रहते हैं, वो लोग अच्छे ब्लॉक हो जाते हैं और उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है हार्ट मसल को, तभी हार्ट अटैक आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है कि जब हार्ट का एक बीटिंग रिदम होता है वो सडनली स्टॉप कर जाते हैं बिना ब्लड फ्लो के, तो वही कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। इस तरह का और कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वाला वीडियो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।